झारखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी अभी जो खबर सामने आई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय महासचिव और विधायक सीता सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा शिबू सोरेन, जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उन्हें भेजा है, और जिसमें उन्होंने कहा है कि वो आहत हैं। लगातार जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनकी उपेक्षा की जा रही है, उससे वो आहत हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि उनके साथ साजिश की जा रही है। अब क्या साजिश है ये सीता सोरेन खुल के नहीं बताई हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि उनके साथ और उनके परिवार के साथ लगातार पार्टी में साजिश की जा रही है, और इस तरह से उन्होंने इस्तीफा विषम गुरु शिबू सोरेन को भेज दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति उनका जो प्यार था वो बना रहेगा, लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है पार्टी के भीतर, उससे आहत होकर के मैं इस्तीफा दे रही हूँ। बहरहाल आपको ये जानकारी दे दूँ कि लोकसभा चुनाव हैं, और ऐसे में सीता सोरेन का इस्तीफा देना काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से दुमका संसदीय सीट को लेकर के बातें सामने आ रही थी कि वहाँ से हेमंत सोरेन चुनाव लड़ेंगे, और आपको मैं बता दूँ कि इस सीट पर सीता सोरेन अपनी पुत्री को चुनाव लड़ाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि दुर्गा सोरेन जो उनके पति हैं, उनके निधन होने के बाद से ही लगातार उनको उनकी उपेक्षा पार्टी में की जा रही है, कोई भी रायशुमारी उनके साथ नहीं की जाती है। जो अभी निर्णय ले रहे हैं जो लोग, वो पार्टी को रसातल में ले जाएंगे, इस तरह के भी आरोप सीता सोरेन ने लगाए हैं। और इसके बाद से ही जो स्थिति कायम हुई है, जो स्थिति बनी है, वो स्थिति साफ तौर पर यह दर्शाती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और वह भी ऐसे समय में जबकि लोकसभा का चुनाव सामने है, अधिसूचना जारी हो गई है, और इसमें जिस तरह से महागठबंधन INDIA गठबंधन बन रहा था, और उसके तहत दुमका की सीट INDIA गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे में आने की बात थी, और तय भी था इस चीज़ का, और ये भी तय हो चुका था कि हेमंत सोरेन वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और दूसरी ओर कल्पना सोरेन का भी नाम आ रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस जो थे बने हुए हैं वो हेमंत सोरेन के दुमका से लोकसभा चुनाव लड़ने के हैं, क्योंकि शिबू सोरेन अब उस स्थिति में नहीं है, उस उम्र के जिस पड़ाव पर हैं वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। जाहिर है कि सीता सोरेन के स्टेप के बाद से पार्टी में एक तरह से बड़ी खाई होगी, बड़ी खाई सामने आ जाएगी, और इसे पाटना अभी के समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए मुश्किल होगा। आपको ये भी बता दें कि लगातार विपक्ष की रणनीति भी है कि किस तरह से जो गोलबंदी है झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर, उसमें कुछ बिखराव किया जाए, और सीता सोरेन के इस्तीफे के बाद से ये बिखराव होता प्रतीत हो रहा है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि गुरुजी का अगला स्टेप क्या होता है, क्या गुरुजी अपनी पुत्रवधू को मना पाते हैं या नहीं मना पाते हैं, ये सारा कुछ देखना दिलचस्प होगा।